प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। तो जैसे हमने पिछले कल प्रेपोजिशन ऑफ क्या पढ़ा था, प्लेस के बारे में, तो अभी देखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे इन हो गया, ऑन, एट, सिंस, फॉर, फ्रॉम, बिटवीन या ड्यूरिंग, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आएंगी। जो मेन मेन है जो आपसे बार बार पूछ जाता है एग्जाम में वो है इन, ऑन और एट, ठीक है। और इन लगता है देखिए मंथ और ईयर के साथ, इसके साथ मंथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आ रहा हूँ कि मंथ और ईयर के साथ ही लगता है, एग्जाम्पल भी देखेंगे। जैसे ऑन लगता है किसी डे के साथ, या एट लगता है क्लॉक की 12:47। तो जो अगर मैं बोलूँगा कि आप कितने बजे जो वो यहाँ पहुँचे, तो बोलेंगे एट जो भी टाइम, ठीक है, तो एट लगता है क्लॉक की टाइम के साथ, क्लॉक टाइम के साथ। और इन लगता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि आई वॉज बॉर्न, आप बताएंगे कि क्या लगे, आई वॉज बॉर्न डैश 1996, बोल क्या लगा, इन, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे ईयर, ईयर से पहले क्या लगेगा, इन लगेगा। बाकी कई जगह इनके एग्जाम्पल देखेंगे, कई जगह एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत सारे, और भी ऐसा नहीं है कि मंथ और ईयर के साथ इन लगे, और भी बहुत सारी जगह लगे, ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया।